आज इंडिया 543 पर हमारे साथ हैं श्री लखन लाल साहू जी, जो बिलासपुर से भाजपा के सांसद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिलासपुर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण जिला है और काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी जाना जाता है। तो केंद्रीय योजनाओं का कितना लाभ इन चार सालों में वहाँ पहुँचा है? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी भाजपा सरकार चल रही है और चार साढ़े चार साल हुआ है इसका कार्यकाल, इसका लाभ हमारे क्षेत्र के जनता को बहुत मिला है। मैं योजना की बात करूं तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे दो जिले आते हैं लोकसभा बिलासपुर में, दोनों जिला ODF है और 100% घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से उज्ज्वला योजना के तहत जो रसोई गैस देने का, और मैं बताना चाहता हूँ निःशुल्क हमारी छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार मिल करके उसको दे रहे हैं, तो वो लाभ भी जो महिला आज वर्षों से धुआं के परेशानी से जीवन जी रहे थे उसको मुक्ति देने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारे क्षेत्र को उसका लाभ मिला है। साथ ही साथ NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो वर्षों से लंबित था रायपुर से बिलासपुर, भारतमाला परियोजना जो है जिसमें बिलासपुर से हमारे कोरबा होकर के जो झारखंड तक जा रही है उसका फ़ायदा मिला है। बिलासपुर से अंबिकापुर के लिए जो NH स्वीकृति हुआ है, उसी प्रकार से रेलवे की क्षेत्र की मैं बात करूं तो वर्षों लंबित जो डोंगरगढ़ हमारी जो खास करके बिलासपुर से जो मुंगेली पंडरिया कवर्धा होकर के जो जाने वाली रेलवे लाइन की, उसकी स्वीकृति हमारी सरकार ने किया है 270 किलोमीटर का। उसी प्रकार से नए शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय नया जिला मुंगेली में हमारे कार्यकाल में ही खुला है। अभी उड़ान योजना के तहत बिलासपुर को उसमें शामिल किया गया है, बहुत जल्दी वहां पर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, लगभग काम पूरा हो गया है। तो इस तरह से जो शासन की योजना है और ख़ास करके प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र में भी है ग्रामीण क्षेत्र में है, जिसमें बड़ी संख्या में स्वीकृति होकर के आज उसका लाभ हमारे गरीब परिवार जो स्वयं होकर के मकान नहीं बना सकते थे बरसात के दिनों में, जिसको परेशानी होती थी और रहने को मकान नहीं था जिसके कारण से उसका जीवन कष्टमय रहता था, आज वो खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं और खुशहाली के साथ सरकार की योजना का लाभ लिए हैं। एक मुद्दा जिस पर कि विपक्ष में काफ़ी हंगामा करता रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहे लोगों को, जी जो एक था मेक इन इंडिया उसमें सक्सेस नहीं मिली है केंद्र सरकार को, तो क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी इंडस्ट्री आई है या रोजगार के नए उत्पन्न हुए ऐसा कुछ है? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में स्किल डेवलपमेंट को कानूनी अधिकार दिया गया है, हर जिले में स्किल डेवलपमेंट का कॉलेज खुला हुआ है, उसके माध्यम से बहुत से बच्चे, लाखों बच्चे उससे ट्रेनिंग लेकर के स्वरोजगार, छोटा छोटा स्वरोजगार स्थापित करके आज रोजगार स्थापित किए हैं। और साथ ही साथ मुद्रा बैंकिंग योजना के माध्यम से भी हमारी सरकार के माध्यम से जो स्वीकृति मिली है, इसके अलावा बहुत से ऐसे योजना जिसमें सरकार सब्सिडी देती है उसका भी लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों ने, आज ई रिक्शा का जो संचालन हो रहा है जो पर्यावरण के लिए हम लोग परेशान रहते हैं उससे मुक्ति के लिए, तो बहुत सी महिला बहनों ने भी ई रिक्शा हमारे बिलासपुर शहर में, मुंगेली शहर में भी ई रिक्शा का संचालन, बहुत छोटा शहर है मुंगेली लेकिन वहाँ भी आज ई रिक्शा के माध्यम से बहुत से लोग रोजगार प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो खास करके हमारे तीसरी बार है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और स्थानीय सरकार के माध्यम से मजदूरों के लिए जो योजना बनाई गई है उसको जो सब्सिडी देने के लिए बहुत सारे योजना, जिसमें साइकिल देने का, सिलाई मशीन देने का, और साथ ही साथ उसको रोजगार जहां पर वो निवास रहते हैं वहां पर रोजगार देने का, ऐसे बहुत सी योजना, और महिलाओं जो है हमारे क्षेत्र की उसमें स्व सहायता समूह के माध्यम से, मैं आपको एक जानकारी मिलाना चाहूँगा, हमारे एक आदर्श गांव हथनी कला जो मुंगेली जिला में आता है, वहाँ की महिला बहनें सीताफल से, जो कभी घर से बाहर निकलती नहीं थी, सीताफल से आइसक्रीम बना करके, आम से आइसक्रीम बना करके, मशरूम का खेती कर रहे हैं, इस प्रकार से स्वरोजगार स्थापित करके सरकार की अनुदान को के सहायता से उन्होंने जो आज अपने आप में आत्मनिर्भरता बना है, ये सरकार की पहल है। अभी तीन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें से एक आपका भी है। जी, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा अपनी सफलता को दोहरा पाएगी? बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ में
मैं जहाँ तक समझता हूँ और बाकी राज्यों के मुझे ज़्यादा आंकलन नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से वहाँ पर सरकार बनेगी और जो पिछले अभी जो सीट है हमारा विधानसभा का उसमें बढ़ोतरी भी होगी।